खबर अमेठी जिले से है, जहां केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची, जहां स्मृति ईरानी ने अपने सपने को मूर्त रूप देने के लिए मेवाई निवासी एक महिला से 136 एकड़ जमीन का बैनामा करवाया। और वहीं वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान स्मृति ने कहा था कि अगर वो चुनाव जीती तो अमेठी में अपना घर बनाएंगी, जिससे कि आम जनता को उनसे मिलने के लिए दिल्ली तक नहीं जाना पड़ेगा। बता दें कि स्मृति ईरानी ने एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर कलेक्ट्रेट स्थित उप निबंधक कार्यालय में 136 एकड़ जमीन का बैनामा करवाया। वहीं जमीन का बैनामा करवाने के बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में 30 साल बाद मुझे मेडिकल कॉलेज बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अमेठी में सैनिक स्कूल भी बन गया है, जो केंद्र और प्रदेश सरकार के समन्वय से अमेठी को सौगात मिली है। और वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना काल में न्याय पंचायत वार पंचायत लगाई ताकि लोगों को जिला मुख्यालय तक न आना पड़े। मैं स्वयं दीदी आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ हर बार गांव जाकर जनता की उस अभिलाषा को पूर्ण कर रही हूं। जितना प्रेम जितना आशीर्वाद मुझे मिला उसके पीछे लोगों की मंशा ये थी कि कम से कम सांसद जो है वो उपलब्ध रहे। कोरोना काल में हम न्याय पंचायत वार जिला प्रशासन के साथ ई चौपाल लगा रहे थे ताकि जनता को जिला मुख्यालय तक ना आना पड़े। कोरोना से पहले भी न्याय पंचायत वार मैं स्वयं दीदी आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ गांव-गांव पात-पात जाती, लेकिन जनता के मन में जो एक प्रश्न था कि क्या अमेठी का कभी ऐसा सांसद होगा जो गांव खेड़े तक संसदीय कार्यकाल में अपने पहुंचेगा, कम से कम मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूं कि उस अभिलाषा को भी मैं पूरा कर पाई।